अगर मैंने सच कहा है, इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है, तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा। और मुझे किसी ने टारगेट किया है, इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। ठीक है सर, इसका अर्थ ये है कि आपने सामना में जो जो लिखा था वो एक एक शब्द सही था, अबाउट प्रेशर के एनसीपी के विधायकों पर दबाव। आज जरूर सामना हमेशा सच लिखता और बोलता है, तो छुपाने की क्या बात है। आप जाकर पूछे हसन मुश्री साहब को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे अनिल देशमुख जी को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे जितेंद्र आव्हाड जी को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। और कितने नाम चाहिए आपको मुझे बताइए। आप जाइए प्रफुल्ल पटेल जी के यहाँ और उनको पूछे कि आपके ऊपर प्रेशर है या नहीं। जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए, और किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अजीत दादा अपने बयानों से आप पर सवाल खड़े कर, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर, वो क्या कर सकते हैं। मेरी विश्व पवार साहब खड़े कर सकते हैं, शरद पवार साहब की बात मैं मानूंगा। सर एक सवाल ये है कि कल अजीत दादा ने जो सफाई दी उसमें कहा कि पत्र में आप लिखे उनको अपनी पार्टी के बारे में लिखना, क्या लिखे हैं आपको मालूम है क्या लिखा है। उनका कहना है कि क्या लिखा है, आपने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन होने वाले हैं, तो उसमें गलत क्या है। ये क्या किसी किसी पार्टी के बारे में मैंने कहा कि महाराष्ट्र में अपोजिशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये सच है या झूठ है, ये अजीत दादा ने बताना चाहिए। क्या शिवसेना को नहीं तोड़ा, क्या एनसीपी के ऊपर हमले नहीं हो रहे, ये शरद पवार साहब खुद बोल रहे हैं, उनके प्रमुख। इस प्रकार का एक पत्र शरद पवार साहब ने अमित शाह जी और मोदी जी को लिखा है, क्या मालूम नहीं किसी को। अगर इस बातों की जानकारी मैं रखता हूँ, उसमें गलत क्या है। संजय राउत के स्टेटमेंट के लिए आपके ऊपर बरोबर आ रहे, संजय राउत हा स्वतःच्या बापाला सुद्धा घाबरत नव्हता, त्यामुळे त्यांचे विधान केलेलं आहे। महागडी डुबवण्याचं काम ही संजय राऊतने परिपूर्ण केले, त्यातल्या त्यात शिवसेना डुबवण्याचं, जी पहिली शिवसेना होती उद्धव ठाकरे साहेबांची, ते डुबवायचं काम त्यांनी केलं। परंतु आता त्यांनी जो आधी दादाशी पंगा घेतला थोडा मागे होतो, उद्धव साहेबांचा सहन करतो, मास्तर थांबा ना, आणि त्याचं योग्य तो उत्तर आधी दादा तातडीनं देतील अशी माझी अपेक्षा आहे।